Come to the next chapter, measurements. मेज़रमेंट्स मतलब हम किसी भी चीज़ को जब हम नापते हैं उसकी साइज़, उसका शेप, उसका लेंथ, हाइट, जब हम उसको नापते हैं उसे हम मेज़रमेंट कहते हैं. ठीक है, तो ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक स्क्वायर है. ये जो है हमने इसकी लंबाई, इसे हमने स्केल से नापा. इसकी जो चौड़ाई है उसे भी हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं. सपोज़ ये स्क्वायर है तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया इसका मेजरमेंट. ये है रेक्टेंगल, ये लंबाई इसकी अगर 5 सेंटीमीटर है, देखिए थोड़ा सा लंबा होता है, अपनी चौड़ाई से ज़्यादा लंबा होता है. ये है आपका 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या किया हमने इसका मेजरमेंट लिया. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वोकैबुलरी में दिया है, फर्स्ट वर्ड इज़ लॉन्ग. लॉन्ग मीन्स होता है लंबा. जैसे एक पेंसिल है, ठीक है, ये है पेंसिल और ये एक और पेंसिल है. ठीक है, आप देखिए आपका ये पेंसिल लंबा है कि ये पेंसिल लंबा है. लॉन्ग मीन्स लंबा. ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये पेंसिल इससे लंबाई में ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट, जस्ट अपोजिट. अगर ये लॉन्ग है तो ये क्या है शॉर्ट. तो यहाँ पे मैं एक सीढ़ियों का एग्जांपल देती हूँ. ये लैडर है और ये एक लैडर है. अब दोनों में आप बताइए कौन सा लैडर शॉर्ट है. तो ये जो है ये क्या है शॉर्ट, छोटा है और ये लंबाई में ज़्यादा है. तो ये हो गया लॉन्ग एंड शॉर्ट. अब हैवी, नेक्स्ट वर्ड इज़ हैवी. हैवी का मतलब होता है भारी. आप जैसे सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जब वो सब्ज़ी तौलती है ना, तो उसमें अगर वो वज़न में अगर हल्का होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक मेज़रमेंट का वो क्या डालती है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे इससे भारी चीज़ हमको डालना है. तो यहाँ पे अगर 3 है फिर भी अगर ये हल्का है तो हम इसमें और 2-3 चीज़ ऐड कर देते हैं. ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे वो उतना ज़्यादा भारी होता जाएगा. हैवी मीन्स होता है भारी और इसके जस्ट अपोजिट लाइट का मतलब होता है हल्का. ठीक है, आपने रुई देखा होगा ना, कॉटन आपने तो देखना वो कितना हल्का होता है, तो वज़न में काफ़ी हल्का होता है, उसे लाइट कहते हैं. ठीक है, वॉल्यूम, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो वॉल्यूम है. वॉल्यूम क्या होता है, अगर ये एक कार्टन है आपके पास, क्लियर, ठीक है, तो वॉल्यूम का डेफिनेशन होता है कि वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ सर्टेन 3D ऑब्जेक्ट. ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये 2D ऑब्जेक्ट है. आपको सिर्फ इसका 2 डायमेंशन ही देखने को मिलता है. 3D में आपको इसका देखिए पीछे का हिस्सा, सामने का हिस्सा, साइड का हिस्सा, आप सारा चीज़ देख रहे हैं. तो ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है. अगर इसकी जो लंबाई है अगर आपका 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है सपोज 3 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई अगर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 5 × 4 × 3 मतलब 5 × 4 मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट का अगर आपके पास एक बॉक्स है, इसका टोटल करके देखते हैं, 5 × 4 = 20, 23 = 60 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, तो 60 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये इसका पूरा वॉल्यूम है. मतलब ये इतना बड़ा कार्टून है, अगर इसमें आप अगर कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो उतना ही अमाउंट जाएगा जितनी इसकी कैपेसिटी हो. ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप इसमें सामान अगर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कार्टून से बाहर हो जाएगा. तो ये है इसका वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा उतनी आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट भर सकते हैं. क्लियर.